नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर फिगर्स और टेबल्स के कैप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए शुरू करते हैं, हमें रेफरेंसेस वाले टैब में यहाँ जाना होगा और हम इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जहाँ लिखा है इंसर्ट कैप्शन। तो देखिए, कैप्शन जो है वो हम किसी भी पिक्चर, किसी डायग्राम या किसी टेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं, परंतु जब हम किसी डायग्राम या फोटो या पिक्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे फिगर का नाम देंगे, और यदि हम किसी टेबल, टेबुलेटेड फॉर्म में डाटा जहां देते हैं वहां प्रयोग करेंगे तो उसे टेबल फॉर्मेट में बोलेंगे। तो मैंने दोस्तों, इस को दिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा हुआ है पहले से, जिसमें कि मैंने दो पिक्चर्स ली हैं और एक टेबल जो है वो लिया हुआ है। तो मैं दोनों चीजों का उपयोग एक ही वीडियो में करके आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से आप कैप्शंस का इस्तेमाल करके फिगर्स और टेबल्स के कैप्शंस, उसकी हेडिंग्स जो है वो दे सकते हैं और नंबरिंग भी उसकी कर सकते हैं। तो देखिए जरा दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे कि यदि हमारी फिगर है जिसके जिसके ऊपर हमें कैप्शन प्रोवाइड करना है, तो फिगर के हमेशा हम नीचे कैप्शन प्रोवाइड करते हैं और टेबल के हमेशा ऊपर की तरफ जो है वो कैप्शन लगेगा। तो फिगर हम सिलेक्ट करके उसके नीचे एक एंटर लगा के हम यहाँ नीचे आ जाते हैं, और अब हम यहाँ रेफरेंसेस के अंदर इंसर्ट कैप्शन की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट की ऑप्शन पे क्लिक करते ही इंसर्ट कैप्शन में हमें देखने लग जाएंगे, अगर हम यहाँ देखें, लेबल को ध्यान से देखें, तो यहाँ इक्वेशन, फिगर और टेबल तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, परंतु क्योंकि यह फिगर है तो हम यहाँ पर फिगर पे क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिगर का कैप्शन जो है वो नजर आने लग जाएगा। अगर आपको नंबरिंग जो है रोमन में ना करके किसी और तरीके से करनी है, तो आप नंबरिंग जो है यहाँ और भी फॉर्मेट जो है उसके चुन सकते हैं। आप जो है ABCD फॉर्मेट में, या 1 2 3 4 जो हमारा दूसरा मेथड है शॉर्ट फॉर्म लिखने का, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो देखें जरा, हम अपना डिफॉल्ट जो है 1 2 3 वाला ही रहने देते हैं और हम यहाँ पर जो है ओके बटन दबाएंगे। जैसे ही हमने ओके बटन दबाया तो आप देखेंगे कि फिगर 1 लिखा हुआ यहाँ नजर आने लग गया है। अब इसके बाद आप इस पे आगे कॉलन लगा के जो भी आप कैप्शन यहाँ देना चाहें, फिगर का कैप्शन यहाँ पर हम लिख सकते हैं और उसे हमें सेंटर लाइन कर देना चाहिए। सेंटर लाइन करने के लिए Ctrl+E दबाते हैं, या फिर हम होम पे जाकर इस ऑप्शन का इस्तेमाल जो है सेंटर लाइन करने के लिए कर सकते हैं। Ctrl+E इसका शॉर्टकट है, जैसे यहाँ वीडियो में आपको नजर आने लग गया होगा। तो इसी प्रकार फिगर जो कैप्शन हमने एक लगा दिया है, दोस्तों यहाँ याद रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर हमारा खुद याद रखेगा कि कौन सा नंबर का सीक्वेंस लग चुका है और कौन से नंबर का सीक्वेंस अभी बाकी है। अब क्योंकि टेबल के ऊपर कैप्शन लगाने जा रहे हैं, तो जो रेफरेंसेस में हम अगर हम जाके देखेंगे तो जो कैप्शन आएगा, इस दफा फिगर ना होकर के हम यहाँ टेबल लिखेंगे। और देखिए दोस्तों, टेबल लिखते ही स्वयं ही कंप्यूटर ने यहाँ पर टेबल नंबर 1 ले लिया है, और जैसे ही मैं फिर से क्लिक करता हूं ओके, तो टेबल 1 लिखा है यहां पर, इसकी हेडिंग आ जाएगी टेबल हेडिंग, और इस टेबल हेडिंग को हम फिर से सेंट्रल लाइन कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों, दूसरी पिक्चर के नीचे जाकर, अब क्योंकि फिगर है ये, नीचे जाएंगे और रेफरेंसेस में जाकर फिर से इंसर्ट कैप्शन का बटन दबाने पर फिगर का इस्तेमाल करेंगे। फिगर चुनते ही आप देखिए दोस्तों, फिगर 2 स्वयं आ गया। कॉलन लगाकर हम इस पर भी अपना कैप्शन दे सकते हैं और उसे सेंटर अलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान तरीका है ये, जो है हमारे डॉक्यूमेंट में अगर हम जो पिक्चर्स और टेबल्स के नीचे और ऊपर अगर हम कैप्शंस लगाना चाहते हैं तो कंप्यूटर स्वयं ही इस चीज को याद रख सकता है। तो देखा दोस्तों आपने, किस प्रकार इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम बड़ी ही आसानी से कैप्शंस को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को और ज्यादा सुव्यवस्थित
और ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। आशा है आपको ये ऑप्शन आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।